देखिए आप अवगत हैं कि दिनांक 10 नवंबर को शाम वाला घाट और 11 के प्रातः सुबह वाला घाट छठ एक महापर्व है। उसकी तैयारियों के लिए यहाँ पे सभी विभागों के साथ और जो आयोजन समिति है उसके साथ यहाँ दौरा भी किया गया है। जनपद लखनऊ में गोमती के किनारे लगभग 15 घाटों पर छठ के महापर्व को मनाया जाता है। सबसे बड़ा जो घाट है वो ये लक्ष्मण मेला मैदान यहाँ पर है, जिसमें साफ़ सफाई की व्यवस्था, सिंचाई के माध्यम से जल स्तर को मेंटेन रखना, घाट की यहाँ पे सारी तैयारियाँ, विद्युत की व्यवस्था, इसके अलावा बैरिकेडिंग और साथ ही साथ जो महिलाएं श्रद्धालु आएंगे उनके लिए चेंजिंग प्लेस देना, टेम्प्रेरी शौचालय भी यहाँ पर अलग से बनाए जाएंगे, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। इन सब चीज़ों को आज यहाँ पर एक एक चीज़ को फाइनलाइज भी किया गया है और अब अगले 3 से 4 दिनों में इसको 100% सुनिश्चित भी हर जगह पर किया जाएगा। सर, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो फिर किस तरह की सावधानी बरती जाएंगी कोरोना ना फैले? देखिए, छठ का ये जो पर्व है ये खुले स्थान पे होता है, ओपन में रहता है, कहीं कोई क्लोज सर्कुलेशन में नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी लोग से मैं आपके माध्यम से अपील भी करूँगा कि मास्क जरूर लगाएं और जिन लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया है या किसी का सेकेंड डोज बचा हुआ है या फर्स्ट डोज है तो वो वैक्सीन भी ज़रूर ले लें, क्योंकि वैक्सीन का भी हम लोग ड्राइव प्रतिदिन चला रहे हैं, वैक्सीनेशन भी है जो कि कोविड के अगेंस्ट सबसे बड़ा उपाय है, और साथ ही साथ हमें मास्किंग का अनिवार्य रूप से प्रयोग भी करना है। ठीक है।